जी कैसी हो तुम? अभी कैसे हैं आप? प्लीज रेस्ट कर लें, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। आ जाए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मामा, ये यहाँ पर क्या कर रही है? इससे को दफा हो जाए, निकल जाए हमारी जिंदगी से। अरे खुद को संभालो बेटा, अभी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा बच्चा कत्ल कर दिया तुमने, हमारी खुशियां बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। निकल जा हमारी जिंदगी से, चली जा हमारी नजरों के सामने से। खुद को संभालो। ये किस तरह की बातें कर रही है? मैं ठीक कह रही हूँ बाबा, मैं उस दिन किचन गई थी काशी पर मेरे लिए कॉफी बनाने। ये किचन फ्लोर पे कुछ पहले से गिरा हुआ था, उसी की वजह से मैं फिसल गई थी। मैंने अपने आप को संभालने की इतनी कोशिश की, मैं फिर भी गिर गई। किसने मेरा बच्चा कत्ल कर दिया बाबा? दबा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन हादसा भी तो हो सकता है। नेहा भाभी को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं आप? जिस वक्त शुमाइले की चीख आई थी ना उसामा, भागते हुए मैं और उमर किचन में गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो नेहा के अलावा किचन में और कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नहीं थी वहां, मैं भाभी की चीखें सुन के फौरन वहां आ गई थी, मैं पहले से वहां नहीं थी। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम लोग नेहा पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, सकता है शुमाइला को कोई वहम हुआ। उसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम उसको कातिल कह के पुकारो। इकबाल, आप किस तरह बात कर रहे हैं शुमाइला से? आप देख नहीं रहे कि किस तकलीफ से गुजर रही है ये? बच्चा खोया है इसने, गोद उजड़ी है उसकी। भाभी, इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। अल्लाह को मुंह दिखाना है आपने भी। अगर ये दुखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी बेटी को जो भी चाहे कहे। भाभी, अगर शुमाइला का बच्चा खो गया है इससे, तो इसमें अल्लाह ताला की मर्जी है। मेरी बच्ची पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। नेहा भाभी ऐसा नहीं कर सकती, क्या हो गया आप दोनों को? नेहा इतनी दूध की धुली नहीं है कि हमेशा उस पे लगाए इल्जाम गलत हो। राई होती है तो पहाड़ बनता है। सुन रहे हैं आप भाई साहब? पहले उमर मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर इश्क मुआशके चलाता रहा, अब मेरी बेटी को कातिल कहा जा रहा है, और कुछ सुनना बाकी है? बस बस, मैंने बहुत सुन ली तुम लोगों की लकवियात। तुम इसे समझाओ कि आइंदा इस तरह की बातें करने से गुरेज करें। बाल, बिना तहकीक किए मुनासिब नहीं है कि आप फैसला करें, और बेहतर होगा कि आंख बंद करके नेहा की हमायत करना छोड़ दें। बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है, यहां खड़ी रहोगी तो और टेंशन होगी। चलाओ। मैं नहीं थी वहां पे, मैं नहीं थी वहां पे जब उनकी चीखों की आवाज आई है। मैं तब नीचे आई हूं।